चलो सबसे पहले अटेंडेंस दे दो सब अपना अपना। चलो कौन कौन आया? प्रियांशी, एसबीबी, भूमिका गोयल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भूमिका गोयल इज जॉइंड, प्रियांशी एसबीबी हैज जॉइंड। लक्ष्य दीप चौधरी, पीपी सवानी। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, संजना, खुशी पटेल, निराली चौधरी, पटेल ओम, ललित प्रजापत, प्रियंका, कुश, केशवी, कृपल गामित, साहिल, स्टेफी गामित, मयूर, ध्रुव, अनिरुद्ध, तनुश्री जोशी, वर्षिल, टीशा फ्रॉम पीपी सवानी, ओके। चलो सबसे पहले डाउट्स बताओ बच्चों, होमवर्क में, होमवर्क में कोई डाउट्स है तो बताओ। यस मितेश हैज आल्सो जॉइंड, मितेश प्रियांशी फोर्थ एंड फिफ्थ, कुश पटेल सेकंड। बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने होमवर्क ही नहीं किया होगा, बोल रहे होंगे सर कौन सा होमवर्क। इनमें से इतने सारे तो ऐसे हैं जो बोल रहे होंगे सर कौन सा होमवर्क दिया था आपने। चलो ठीक है, पहले हम सारे डाउट डिस्कशन करेंगे फिर आगे चलते हैं। पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बेटा पेन मत चलाओ, ये बेरेज भी नहीं होगा।
वंश फ्रॉम पीपी सवानी इज ऑल्सो प्रेजेंट। चलो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा है देखो, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, दे कॉइल्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो 27 स्मॉल ड्रॉप्स है आपके पास, 27 नंबर्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। ठीक है, नाउ कैलकुलेट। अच्छा, दोनों का पोटेंशियल भी दिया हुआ, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। ये ड्रॉप्स के पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट ईच। ईच ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस बिगर ड्रॉप। दिस इज द क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बड़े ध्यान से पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है आपके पास, सपोज करो ये छोटे वाले जो स्पीयर से इनका रेडियस स्मॉल आर है और बड़े वाले स्पीयर का रेडियस है कैपिटल आर। सो आपने एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी पोटेंशियल, जब मैंने आपको पढ़ाया था, भावना शर्मा हैज ऑल्सो ज्वाइंड। भावना शर्मा, चलो ठीक है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, किसी भी स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी आपके पास है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। याद करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था बड़े ध्यान से कि जब हमारे पास कोई चार्ज होता था छोटा सा और जिसका रेडियस आर होता था, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता था, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये हम पढ़ चुके थे है ना। किसी भी स्फेरिकल बॉडी की वजह से हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया था। कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो तो आपके पास पोटेंशियल का क्या इक्वेशन होता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहां पे देखो दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है और एक रेडियस पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, वन इज द चार्ज एंड अदर इज द रेडियस। तो अगर ध्यान से यहां पे देखो तो ये 27 जब कंबाइन होंगे और बड़ा चार्ज बनाएंगे तो यहां पे क्या कंजर्व रहेगा, यहां पे आपका वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम विल बी कंजर्व, वॉल्यूम इज कंजर्व। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आपका कंजर्व है ना, इफ वॉल्यूम इज कंजर्व सो यू कैन इजीली राइट 27 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3 pi into small r cube, which is equal to 4/3 pi into capital R cube. ठीक है, this will be the volume. अब यहां से आपको radius का relation मिल जाएगा है ना, from here you will get the relation of radius. तो radius का relation यहां से आपको easily मिल जाएगा, simple question था ये तो, 4/3 pi 4/3 pi कैंसिल हो गया,
तो यहां से आपको आर मिल जाएगा थ्री टाइम्स स्मॉल आर, योर कैपिटल आर विल बी थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर विल बी थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, यस। अब यहां से पोटेंशियल निकाल लोगे आप, पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहां से, क्यू बाय आर, बड़े वाले का पोटेंशियल कितना होगा, के इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर, है ना, वेरी गुड, के क्यू बाय आर होगा। तो बड़े वाले ड्रॉप के लिए के तो सेम ही रहेगा, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 टाइम्स स्मॉल क्यू, दिस विल बी योर कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा 27 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर विल बी थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो यहां से आपको पोटेंशियल मिल जाएगा विच विल बी नाइन टाइम्स, थ्री नाइन्स आर 27, यू विल गेट पोटेंशियल विल बी नाइन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल, तो नाइन टाइम्स ऑफ 220, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो यहां पे आपने दो चीजें सीखी, हाँ वेरी गुड, 1980 इज द करेक्ट आंसर केशवी। तो दो चीजें आपने सीखी, एक तो आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना था, दूसरा कंसेप्ट जो था यहाँ पे पोटेंशियल का कंसेप्ट था, ठीक है। वॉल्यूम कंजर्वेशन तो बेसिक कंसेप्ट था जो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम कूलम्स लॉ में भी कर चुके हैं पहले, है ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 and 5, फोर में भी डाउट है और फाइव में भी। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, लेट से दिस इज वन कंडक्टर, दिस इज अनदर कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, ठीक है, तो जिसमें ट्रांसफर होंगे उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे उन्होंने, क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन्स बोले हुए हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है ना, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 × 10³, एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 × 10³, ठीक है। अब हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, हाँ क्यू इक्वल टू एन ही लगा लो, बिल्कुल सही बात है, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा लो विच सेज दैट क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, वेरी गुड, क्यू इज इक्वल टू एन ही लगा लो, वेरी गुड। तो यहां से आपको चार्ज कितना मिल जाएगा 6.023 × 10³ × 1.6 × 10⁻¹⁹, दिस विल बी योर चार्ज, इतना कूलम आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हाँ किसने निकाला, 9.637 × 10⁹, केशवी सिंह, देख लेते हैं ये आंसर सही है क्या चार्ज का, हाँ 9.637 × 10⁻¹⁹ कितना आ रहा है, केशवी सेइंग दैट × 10⁹, ओके चलो इतना आपको चार्ज मिल गया, इतने कूलम आपका चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा,
क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। है ना, हमारे पास एक इक्वेशन है ना कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। ठीक है, बस तो यहां से आप निकाल लोगे, यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 की पावर 6 वोल्ट, और चार्ज आपको पता है, चार्ज की वैल्यू भी पता है 9.637 × 10 की पावर 9। ठीक है, वेरी गुड, तो फैराड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डाउट तो सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ सरफेस डेंसिटी ऑफ 0.07 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दी हुई है, विच इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 0.07 कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज बाय 4.4 कूलम, सपोज करो इस पे पहले चार्ज कितना था, क्यू था, लेट से इनिशियल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज क्यू। ठीक है, कुछ क्या बोल रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन आएगा जिससे क्यू मिल जाएगा। हाँ देखते हैं अभी हम, किरमी चौधरी भी आ गई, हाँ किरमी इज ऑल्सो प्रेजेंट। बेटा वाई आर यू लेट किरमी, चलो देखो इधर नेटवर्क इशू। ओके तो अब क्या किया हमने, इसका चार्ज इंक्रीज कर दिया, स्फेरिकल कंडक्टर का हमने चार्ज इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करके इसका जो फाइनल चार्ज है वो कितना हो गया, क्यू प्लस 4.4 कूलम। इसका चार्ज हो गया क्यू प्लस 4.4 कूलम। ठीक है, एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा वन बोल देता हूं, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा टू, विच इज इक्वल टू 0.084 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बताओ। हाँ चार्ज पर यूनिट एरिया, वेरी गुड, कुश पटेल इज सेइंग, ललित इज ऑल्सो सेइंग, चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो, फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। चलो तो हमें इनिशियल चार्ज निकालना है,
मतलब इसका इनिशियल चार्ज कितना होगा, पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इनिशियल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, कौन सा लॉ लगाएंगे? सबसे पहले तो सिग्मा वन को लिखो, सिग्मा वन इज इक्वल टू, सिग्मा वन इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी योर सिग्मा वन। सिमिलरली हम सिग्मा टू को क्या लिखेंगे, सिग्मा टू विल बी चार्ज विल बी चेंज, अब चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस 4.4 कूलम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे देखो आपका रेडियस सेम है, दोनों कंडक्टर के लिए रेडियस सेम है क्योंकि सेम कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है तो दोनों का रेडियस सेम होगा। अब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लोगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दोगे, तो यहां से आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। इफ यू डिवाइड सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू, यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हिच इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू प्लस 4.4। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, यहां पे सिग्मा वन की वैल्यू पुट करोगे व्हिच इज 0.07 और यहां पे सिग्मा टू की वैल्यू पुट करोगे व्हिच इज 0.084। यहां से आपको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, यहां से आपको चार्ज की वैल्यू पता लग जाएगी। समझ आया? जीरो पॉइंट केशवी क्या बोल रही है, 0.0834 आएगी क्या? 0.08 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.084 दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन देखो 0.084 वैल्यू दिया है सिग्मा टू का, तो सिग्मा टू वही रखोगे आप। ठीक है, आर कैसे सेम होगा, बेटा हम हमारा कंडक्टर तो सेम ही है ना, कंडक्टर सेम है, हम खाली कंडक्टर में चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, हम कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहे। कंडक्टर आपका वही है जो पहले कंडक्टर था, वही बाद में भी कंडक्टर सेम ही है, इसलिए रेडियस तो सेम ही होगा ना, समझ आया? हाँ, अगर हम कंडक्टर ही चेंज कर देते तब आपका रेडियस चेंज हो जाता, लेकिन हमने कंडक्टर को चेंज नहीं किया, हमने चार्ज को इंक्रीज किया, तो चार्ज को इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो इंक्रीज हो गई, दैट इज द रीजन। नो सर, क्योंकि वैल्यू 0.0834 आएगी। अच्छा, वैल्यू 0.0834 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में चेक कर लो क्या दिया हुआ है। जीरो पॉइंट जीरो एट फोर ही दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, जो वैल्यू दिया है वो आप लेके सॉल्व कर लो। सिग्मा टू का वैल्यू जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा टू का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लेके आप सॉल्व करोगे, तो यहां से आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी 22 कूलम्स। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड करने के बाद बता रहे हो आप, ओके वेरी गुड, मतलब आप आगे का स्टेप बता रहे थे, ठीक है, चलो मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहे हो, ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लेना है, अब मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा।
फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड द कैपेसिटेंस। हाँ, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज फॉर एनी कंडक्टर। एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज फॉर एनी कंडक्टर। तो यहां पे आप देखो, चार्ज तो आपको पता है क्यू, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल कितना होता है स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से, पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहां से आप देखोगे क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सो आपका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, आर अपॉन के, आर अपॉन के। के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आप नोटिस करो कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस का जो फाइनल इक्वेशन हमें मिला, इसको आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, और इससे जो हमें कंक्लूजन मिलेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, दीज कंक्लूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कंक्लूजन इज दैट कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इस इक्वेशन से देखो तो यहां पे ना तो कोई चार्ज का टर्म आ रहा है, ना तो कोई पोटेंशियल का टर्म आ रहा है, तो यहां पे खाली आपका रेडियस आपको दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ कंडक्टर। 4 इज कॉन्स्टेंट, पाई इज कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट, सो ओनली वेरिएबल इज 10, sorry, only variable is radius, so it depends only on the radius for spherical conductor, for spherical conductor capacitance only depends on the radius, on the radius एंड रेडियस इज द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। रेडियस किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे, इट इज अ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये बात को सुन के, क्योंकि कैपेसिटेंस को हमने डिराइव ऐसे ही किया है, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, जबकि हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V के रेशियो से निकाला है, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला हमने निकाला है उसमें ना तो Q का कोई टर्म आ रहा है इस फॉर्मूले में, ना तो Q का कोई टर्म आ रहा है, ना तो V का कोई टर्म आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फाइनल वाला जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने निकाला है फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वोल्ट, it only depends on the geometrical parameter which is the radius of the conductor. This is the most important point while we are solving any kind of question of this spherical conductor. किसी भी spherical conductor का question को solve करने से पहले आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि conductor का जो हम capacitance निकालते हैं वो capacitance हम निकालते जबकि चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो से हैं,
बट जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलता है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ रेडियस पे, विच इज द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इतनी बात सबको पता चल गई? ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको अब उसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था। तो हम डायरेक्टली यहां पे अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, वी विल अप्लाई डायरेक्टली दिस फॉर्मूला विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आप लगा के कैपेसिटेंस निकाल लोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब यहां पे देखो, जो पहला वाला हमारा कंडक्टर था जिस पे चार्ज क्यू था, है ना, इस वाले कंडक्टर पे चार्ज कितना था, क्यू था, और इस वाले कंडक्टर पे चार्ज कितना है, क्यू प्लस 4.4 कूलम। बट अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, इसका भी कैपेसिटेंस अगर सी है तो इसका भी कैपेसिटेंस सी होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कैपेसिटेंस की इक्वेशन से, कि ये वाले कंडीशन में भी कैपेसिटेंस आपका सी होगा और इस कंडीशन में भी आपका कैपेसिटेंस सी होगा, क्योंकि रेडियस आपका चेंज नहीं हो रहा है। जब तक रेडियस चेंज नहीं होगा तब तक आपका कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर बोथ द कंडीशंस कैपेसिटेंस विल बी सेम, व्हिच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो यहां पे आप डायरेक्ट रेडियस का वैल्यू पुट कर दोगे। अब रेडियस कैसे निकालोगे, तो रेडियस आप सिग्मा वन वाली इक्वेशन से निकाल सकते हो। सिग्मा वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप रेडियस निकाल लोगे, आपको चार्ज पता चल गया, हमने चार्ज कितना निकाला था, 22 कूलम। 22 कूलम हमने यहां से चार्ज निकाला था। सिग्मा वन का वैल्यू कितना था, सिग्मा वन का वैल्यू आपको गिवन है 0.07। ठीक है, तो यहां से आपको रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, और उस रेडियस का वैल्यू जब आप इधर पुट करोगे तो आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा, और कैपेसिटेंस दोनों कंडीशंस के लिए सेम होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता और ना तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता, आप इस इक्वेशन से देख सकते हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रखोगे। चलो अब हम आगे चलते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। सपोज करो अगर मैं अर्थ की बात करूं, अगर मैं अर्थ की बात करूं, सो अर्थ का शेप भी आपका स्फेरिकल होता है। अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ का शेप भी आपका स्फेरिकल होता है ना। अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। क्या किसी को पता है अर्थ का रेडियस कितना होता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? सपोज करो मैंने इतना बड़ा कंडक्टर बनाया जो अर्थ के रेडियस के बराबर है। सपोज करो मैंने इतना बड़ा कंडक्टर बना दिया जिसका रेडियस किसके बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? सिक्स 4400 किलोमीटर। हाँ, वेरी गुड, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर जितना मैंने एक कंडक्टर बना दिया और मैंने आपको बोला फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से आप इसका कैपेसिटेंस निकालोगे और मेरे को निकाल के बताओ
इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? 4 पाई, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू रेडियस इज वॉट? 6400 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करके बताओ और देखो कितना कैपेसिटेंस आएगा। सॉल्व दिस एंड फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। यस, किसी ने निकाला? वेरी गुड, 7.11 साहिल ने निकाला, 7.11 इंटू 10 की पावर -4 फैरड, और यू कैन राइट 711 माइक्रो फैरड। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस of a conductor whose radius is equal to radius of the earth। मतलब आप ये सोचो कि इतना बड़ा आपका कंडक्टर है और उसका कैपेसिटेंस इतना छोटा सा आया है ना। इतने बड़े कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना आया? प्रियांशी ने भी निकाल लिया, मितेश ने भी निकाल लिया, केशवी ने भी निकाल लिया, वेरी गुड। इतने बड़े कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना छोटा सा आया देखो। तो आप ये इमेजिन करो कि 1 फैरेड कितना बड़ा कैपेसिटेंस होता होगा। हाउ मच बिग इज 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस? जब हम अर्थ के रेडियस के बराबर का कोई कंडक्टर ले रहे हैं तो हमें कैपेसिटेंस मिल रहा है ओनली 711 माइक्रो फैरेड। इसलिए हम जनरली कैपेसिटेंस में कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं? माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड। ठीक है, जनरली हम कंडक्टर में यही वाले यूनिट्स यूज करेंगे, माइक्रोफेरेड या फिर पीकोफेरेड। आपने देखा होगा जनरली क्वेश्चंस में हम यही यूनिट यूज करते हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, क्योंकि हमारा जो कंडक्टर होता है वो इतना बड़ा तो नहीं होता ना कि वो अर्थ के रेडियस के बराबर हो। हमारा कंडक्टर कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा